हेलो एवरीवन, देखिए अब बात करते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी की। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको पता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। क्या था ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या होती है? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक अगर लिक्विड फ्लो करता है तो हम क्या कहते हैं, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और उसके ऊपर, यानी कि उस वेलोसिटी से ऊपर अगर जो है लिक्विड फ्लो करता है तो हम क्या बोलते थे कि टर्बुलेंट फ्लो होता है, ये आपको पता है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो हम कह रहे हैं, एक सर्टेन वैल्यू वेलोसिटी की, जहाँ तक जो फ्लो है लिक्विड का स्ट्रीमलाइन होगा, उससे ऊपर क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यानी कि एक रेफरेंस वेलोसिटी ले ली, क्लियर। तो वो क्या है, हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी है ये जहाँ तक कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और उसके बाद अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके लिए है, वो स्ट्रीमलाइन के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, इट इज़ दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन, या फिर हम कहेंगे लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो, एंड अबव विच द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। उससे ऊपर जो फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लो, जैसे हमने कहा कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें इसमें कि 1000 meters per second है, ठीक है। तो यानी कि 1000 meters per second तक क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। इससे ऊपर अगर वेलोसिटी जाएगी, मान लो अब 1011 हो गई meters per second, तो अब जो फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कहोगे वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने बताया था स्ट्रीमलाइन में, जैसे मान लो ये हमारी एक ट्यूब है या पाइप है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन हो रही है इस तरीके से, तो हम ये बोलते थे इस पॉइंट पे वी ए वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे वी बी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर तो हम कहते थे कि पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सेम वेलोसिटी रहेगी हमेशा, मतलब यहाँ से पार्टिकल जितने भी निकलेंगे लिक्विड के, तो वो यहाँ पर वी ए वेलोसिटी से ही निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर वो सब वी बी वेलोसिटी से निकलेंगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी विद टाइम, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे तो अलग अलग वेलोसिटी हमने बोली थी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब फिर हम वेलोसिटी कैसे लेंगे इसके अंदर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो है नहीं, तो अलग अलग वेलोसिटी है। तो यानी कि यहाँ पर हम कैसी वेलोसिटी लेंगे, इन सब की एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने देख लिया, जैसे कि मान लो 1000 meters per second हमने मान ली क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, तो इनकी एवरेज हमने ले ली, वो हमने देखी कि 1000 meters per second से क्या है हमारी, कम है या इसके बराबर है, तो हमने क्या बोलेंगे उसको, बताओ, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इससे ऊपर अगर फ्लो गया, इस वेलोसिटी से ऊपर अगर फ्लो गया लिक्विड का, तो उसको हम बोल देंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो पता है ना आपको, जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो इस तरीके से, ये तो क्या होती हैं हमारी, स्ट्रीम लाइन की होती हैं, या जो लैमिनर फ्लो होता है उसमें भी हमारी जैसे लेयर्स की फॉर्म में हम बात करते हैं, तो वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है, लैमिनर फ्लो में। और अगर हमारा ये किसका था, ये वाला पार्ट बताओ किसका था, ये हमारा नॉन विस्कस का, और विस्कस वाले में क्या होगा, विस्कस वाले में इस तरीके से फ्रिक्शन आ जाता है, तो वो इस तरीके से मैंने आपको बताई थी कि ऐसा फ्लो बनता है, और ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई थी उसकी, और ये विस्कस के लिए बनाई थी। नहीं पता तो पिछला टॉपिक देख लेना, वहाँ मैंने लैमिनर फ्लो में ये सब बताया है आपको। तो वो लेयर्स की फॉर्म में होता है, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो, सब एक ही चीज़ है, बस लैमिनर फ्लो में लेयर्स की फॉर्म में बात करते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो में हम कैसी बात करते हैं, स्ट्रीम लाइन्स की बात करते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाता है आपके पास, जैसे ये पैरेलल चल रही हैं इस तरीके से, ना चल के ये इस तरीके से इधर इधर ऐसे घूम जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से घूम जाती हैं, किसके अंदर, हमारी टर्बुलेंट के अंदर। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे लें हम, तो जैसे गंगा नदी देखी होगी आपने, हर की पौड़ी पे नॉर्मल चलती है स्मूथली, ठीक है, आपको लगता है हम मूव हो रही है, दैट इज़ अ लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो बोलेंगे हम, उसमें लेयर्स की फॉर्म में वो चल रही है। लेकिन वही चीज़ आप देखना ऋषिकेश में जाके, जहाँ पर राफ्टिंग होती है, वहाँ पर किस तरीके से पानी इधर उधर 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 उछलता है नदी में, तो वो क्या है, वहाँ पर डिफरेंट क्या है, जैसे मान लो पानी ऐसे चल रहा है वहाँ पर, तेज स्पीड में भी चल रहा है मान लो इस तरीके से, और वहाँ बीच में पत्थर पड़े, तो ये फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन्स का इस तरीके से हो जाता है, वहाँ भंवर भी बन जाते हैं कि उससे पानी टकरा भी रहा है बहुत ज़्यादा, पाथ भी सेम नहीं रहता, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है वेलोसिटी भी, पाथ भी, तो वो है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना, जहाँ पानी इधर से आया टकरा रहा है आपस में, समझ रहे हो, इस तरीके से। क्योंकि आपको पता है ना लैमिनर फ्लो में क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या होती है, मिक्स नहीं होती, ठीक है ना, ये चल रही है, फ्रिक्शन भी हो सकता है इसमें, लेकिन मिक्स नहीं होती आपस में। लेकिन इसमें टर्बुलेंट में क्या होती है, मिक्स हो जाती है सारी की सारी कहानी। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल है राफ्टिंग वाला, उसमें देख लो पानी किस तरीके से उछलता है, ठीक है। चलो ये तो थी कहानी किसकी, क्रिटिकल वेलोसिटी में, जो हमने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो वी सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, के इसमें एक कॉन्स्टेंट होता है डायमेंशनलेस, क्लियर,
और ये किस किस पे डिपेंड करती है आपकी, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी पर लिक्विड की, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायामीटर ऑफ द ट्यूब, तो यानी कि ये डी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से इस तरीके से बनता है इसका, क्लियर। अभी इसको ड्राइव भी कर देंगे हम। तो के क्या है हमारे पास यहाँ पर, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, एक सर्टेन वेलोसिटी लिक्विड की, जहाँ तक फ्लो अगर करता है लिक्विड उस वेलोसिटी तक, मतलब फ्लो करता है लिक्विड तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, अबव विच जाएगी अगर वेलोसिटी तो क्या होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो यानी कि उस वेलोसिटी जो हमने कंसिडर करी है जिससे कम या वहाँ तक वैल्यू रहेगी स्ट्रीमलाइन फ्लो, और उससे ऊपर जाएगी तो टर्बुलेंट फ्लो। तो वो जो वेलोसिटी है जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है स्ट्रीमलाइन को और टर्बुलेंट को, वो क्या है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पर लिक्विड की, और डायामीटर ऑफ द ट्यूब डी। ठीक है, अब देखो जरा हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन जो हम ड्राइव करेंगे वो देखो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्रेशन। देखो ये चीज़ हमें पता चल गई, वी सी यहाँ पर किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो जो वी सी है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, वो डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, और आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायामीटर ऑफ द ट्यूब पर। तो हमें पता है जब हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस में, तो हम यहाँ पर इनकी कुछ पावर्स मान लेते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पर देखना रो की पावर 1 है, ऊपर जाके ये -1 बन रही है, तो यानी कि बी -1 आएगा, डी भी ऐसे ऊपर जाके -1 बनेगा, तो यानी कि डी यहाँ, यहाँ पर जो सी की वैल्यू -1 आनी चाहिए, वो सब यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। तो ये डायरेक्टिव पोर्शन का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर के लगा लेते हैं एक कॉन्स्टेंट, और ये ईटा ए हो गया, रो बी हो गया, और ये डी सी हो गया। ठीक है, के की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, लेट 1 कर लेते हैं, तो जो वी सी है हमारा वो आ गया ईटा ए, रो बी, एंड ये डी सी। अब आपको पता है वी सी यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती हैं एल टी माइनस 1, सभी को पता होगी ये। ईटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप देख लेना ये टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला, वहाँ पर मैंने आपको बताई थी इसकी डायमेंशन ड्राइव करके कि एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 होती हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी ए। और डेंसिटी, डेंसिटी तो आपको पता ही है क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास का एम हो गया, वॉल्यूम का क्या होगा एल क्यूब, बिकॉज लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी होती है तो एल क्यूब बनेगा उसका, तो वो L माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर B, और D इज़ डायामीटर यानी कि वो लेंथ ही है, तो इसकी पावर क्या हो गई, C हो गई। बता दो जी कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब तो आपको पता ही है, कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखो ज़रा पहले M की पावर्स को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो M की अगर हम पावर देखें यहाँ पर, तो ये कितनी है 1, और 1 इंटू ए ए, तो हम यहाँ लिखते हैं A, और यहाँ M की पावर कितनी हो जाएगी B, बिकॉज ये सबके साथ लगेगा ना B और माइनस 3 बी ऐसे, तो ये प्लस में B हो गया, बिकॉज ये M की पावर देखो ना, यहाँ से A आई वहाँ से B आई, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो A प्लस B, और इधर तो M है ही नहीं, तो यानी कि M की पावर यहाँ क्या है 0 है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एम की पावर कंपेयर, यहाँ पर अब कर लेते हैं हम एल की, तो एल इस साइड क्या है 1 है, इधर एल देखो -1 इंटू ए यानी कि माइनस का ए, यहाँ पर एल की पावर -3 और इंटू में भी, तो यानी कि ये माइनस का 3 भी आ जाएगा, और इधर कितना है ये आपके पास बताओ प्लस का सी, तो यानी कि प्लस ये सी आ गई, एल की पावर्स भी कंपेयर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं टी की, टी की पावर है -1, तो ये -1 हो गया, यहाँ मैंने एम की पावर कंपेयर की, इधर मैंने एल की, और इधर मैं टी की कंपेयर कर रहा हूँ, तो इधर है -1, यहाँ पर -1 इंटू ए माइनस ए माइनस 3 भी, सॉरी यहाँ पर तो टी है ही नहीं और यहाँ भी टी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल यही रहेगा। ठीक है, देखो टी की पावर -1 है तो, और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 ए यानी कि माइनस ए, और यहाँ -1 है तो -1 लिख दिया, बाकी में टी है ही नहीं, तो माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू आ गई 1 आपके पास। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 1 रख दो, तो यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, समझ रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि रो -1 आएगा, तभी तो ये नीचे जाएगी वैल्यू, ये 1 हो गया, यहाँ वैल्यू रख दो, ए की कितनी है 1 है, माइनस का 3, और बी है, बी की वैल्यू -1 प्लस का सी, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का सी, तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस में C माइनस 3 सॉरी -1 प्लस 3 2 होता है। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस 2
दैट इज माइनस वन, तो सी की वैल्यू भी माइनस वन आ गई। इन सबको पुट करो जरा यहाँ पर, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट में, पुट ऑल दिस इन इक्वेशन वन। तो देखो जरा वी सी इज इक्वल टू में के, ईटा की पावर ए है ए इज वन, रो की पावर बी है दैट इज माइनस वन, एंड डी की पावर सी है दैट इज ऑल्सो माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा के ईटा की पावर वन ऊपर ही रखा, ईटा की सॉरी रो की पावर माइनस वन, तो ये रो नीचे चला जाएगा तो पावर प्लस वन हो जाएगी, तो मैंने रो लिख दिया इसको। डी की पावर माइनस वन है, ये नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की वन हो जाएगी, तो इस तरीके से लिख दिया। पता है ना ये चीज़, माइनस वन है इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। क्लियर, अगर ये वन होता तो नीचे लेके जाता तो माइनस वन बनता, अब यहाँ माइनस वन है तो ये नीचे जाके वन हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला था हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का, या नहीं था बताओ। तो इस तरीके से हमने इसको ड्राइव कर दिया। के क्या है यहाँ पर, हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब देखो जरा यहाँ पर अगर आप समझोगे इस बात को, जो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से देखें, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, जैसे वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है, अगर मैं एक ऑयल लूँ तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है ना, तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी कि वी सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, इसका मतलब अगर ईटा ज़्यादा रहेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब क्या है, जिसकी विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि ऐसा फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी तक वो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा, और उसके बाद वो टर्बुलेंट बनेगा, है ना, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा है तो यानी कि उतनी वैल्यू तक स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। अब अगर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, ठीक है, अब अगर ये कम है तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी कम रहेगी। क्रिटिकल वेलोसिटी अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की जो स्पीड होगी वो भी उतनी तक ही रहेगी, क्रिटिकल वेलोसिटी तक ही रहेगी, और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है हमारी कम हो गई तो स्ट्रीमलाइन फ्लो यहाँ इस वेलोसिटी तक ही रहेगा, उसके बाद वो टर्बुलेंट हो जाए। मतलब क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जिसकी कम है तो यानी कि वो जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन से बहुत जल्दी टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि उसकी क्रिटिकल वाली क्या है बहुत कम है या नहीं है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है जब आप बढ़ाते रहोगे वेलोसिटी तो बहुत कम वेलोसिटी ही क्या है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो टर्बुलेंट में जल्दी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी तक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा है, उसके बाद फिर वो टर्बुलेंट बनेगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, ऑब्वियसली बात है ना, ये चीज़ समझो इस चीज़ को, विस्कोसिटी ठीक है क्या है, मतलब उसका वो उसमें फ्रिक्शन कितना है, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी अगर हमारी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन कितना है, और विस्कोसिटी अगर हमारी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम बात करें अगर डेंसिटी की, तो डेंसिटी के केस में क्या, जिसकी डेंसिटी कम उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब जिस फ्लूड की डेंसिटी कम है वो ज़्यादा देर तक स्ट्रीमलाइन रहेगा, क्योंकि उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ये कम, देखो ना, वी सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ये कम तो ये ज़्यादा, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ज़्यादा देर तक रहेगा, उसके बाद टर्बुलेंट होगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत जल्दी क्या होगा, टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी यहाँ से। अब देखो जरा यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है जिसको हमने डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोला, अगर इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो क्या बनेगी, ये वी सी रो डी और ये ईटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो के है इसी को हम क्या बोल देते हैं, अपना रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि कब जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड है और कब वो फ्लो क्या है, लैमिनार है, या हम किसकी बात करते हैं आपके टर्बुलेंट की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लैमिनार कब है यानी कि स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन कब है, और टर्बुलेंट कब है, ठीक है ना, तो उसको जो बताता है वो कौन बताता है, ये के बताता है, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर। इसको हम अलग से आर ई से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ पाइप। अब देखो जरा यहाँ से ही हमने के की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जिसको मैंने आर ई लिख दिया, ये वी सी को और ये रो डी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये रो इधर गया, ठीक है, ये वी सी का मैं सिंपल वेलोसिटी लिख लेता हूँ और ये डी लिख लेता हूँ, और अपॉन में क्या लिख लेते हैं हम, ये ईटा, तो देट इज़ अ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, ये याद रहेगा। बताओ यहीं से ही निकालना है हमने, इस के को ही आर ई लिख दिया, अगर इस के की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बनेगी
तो वही लिख दी मैंने, और के को मैंने यहाँ आर ई लिख दिया। अब ये किस तरीके से बताता है आपको, देखो अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है जो फ्लो है वो कैसा होगा, लैमिनार होगा यानी कि स्टेडी फ्लो होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 3000 आया मतलब समझ गए 2000 से लेस है तो लैमिनार फ्लो, अगर 3000 से बड़ा है तो क्या होगा टर्बुलेंट फ्लो होगा, अगर इन दोनों के बीच में है 2000 से लेके 3000 तक तो जो फ्लो है लिक्विड का वो कैसा है अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि या तो वो लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा या फिर टर्बुलेंट से लैमिनार में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं है, अनस्टेबल है, कभी लैमिनार हो रहा है कभी टर्बुलेंट हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ 2000 और ये आर ई और ये 3000, मतलब आर ई जो है ग्रेटर रहे 2000 से और लेस रहे 3000 से तो जो फ्लो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा, यानी कि ये चेंज हो सकता है लैमिनार से टर्बुलेंट एंड वाइस वर्सा यानी कि टर्बुलेंट से लैमिनार भी चेंज हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज़ थी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, और ये डेरिवेशन भी जरूर कर लेना, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है। क्लियर है? कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।